वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं बटर पाई का यूट्यूब चैनल और आज मैं नए वीडियो के साथ जो कि होने वाली है यामाहा फैसिनो 125 फैसिनो की बैजिंग। कलर क्वालिटी आप देख सकते हैं, शाइनिंग में हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, इसलिए तो ये अपनी स्कूटी। और सबसे पहले मैं आपको एक 360 वॉक अराउंड दे देता हूँ, फ्रंट लुक अपनी, और लेफ़्ट साइड दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कंप्लीट लेफ़्ट साइड, और बैक साइड से, और ये कुछ ऐसी राइट साइड। और की बात करूँ तो कुछ ऐसी मिलती है कि देखने को, ये है कि की को लगा देते हैं। ये इग्निशन स्विच, यहीं से सीट ओपन होती है फ्यूल के लिए भी। तो आप बात कर लेते हैं स्कूटी के बारे में। तो अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इसमें अपने को 125 सीसी का इंजन मिलता है जो कि आपको 8 bhp की पावर देता है 6500 rpm पर। और टॉर्क की बात करूँ तो 10 Nm का आपको टॉर्क देता है 5000 rpm पर। और गेयर बॉक्स स्कूटर में आते नहीं है, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स है, CVT कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन के साथ। और ये थे कुछ इंजन के बारे में बातें। 125 सीसी में आती है, पहले शायद 110-112 सीसी में आती थी। और एयर कोल्ड इंजन के साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फ़ैन है, एयर कोल्ड इंजन है, ऑयल कोल्ड या लिक्विड कोल्ड का ऑप्शन कुछ नहीं आता। ये फ़ैन है अंदर की तरफ। और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको फ्यूल टैंक पीछे भी देखने को नहीं मिलता, पीछे कहीं पर जगह नहीं है, और ना ही फ्रंट में, जैसे जुपिटर में फ्रंट में आता है। इसमें आपको अंडर सीट देखने को मिलेगा। यहाँ पे है फ्यूल टैंक, और 21 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन, टायर प्रेशर, और सीट में ही आपको फर्स्ट एड टूल किट, और यहाँ पे सीट में टूल किट देखने को मिलती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक, और रिजर्व की बात करें तो 1.3 लीटर रिजर्व कैपेसिटी है। सीट डुअल टोन सीट है, ब्लैक बीज कॉम्बिनेशन के साथ, साइड में ब्लैक बीज स्टिचिंग दे सकते हैं, स्टिचिंग है। और इसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। तो UBS जो ये हमें बोलती है उसको UBS ब्रेकिंग सिस्टम, सब चीज़ वही कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और टायर सेक्शन 90/90/12 इंच फ्रंट में, और ड्रम ब्रेक्स फ्रंट में 130 mm ड्रम साइज़। UBS या फिर कंबाइन सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, सब चीज़ सेम होती है। ये कंपनीज ने अलग अलग नाम रखा हुआ इनका। तो ये 130 mm ड्रम ब्रेक, और पीछे भी आपको 130 mm साइज़ में 130 mm साइज़ का ही ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलेगा, डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है। और टायर साइज़ में दिखा देता हूँ, पीछे 110/90/10 इंच टायर साइज़, CVT गियर बॉक्स, CVT की फुल फॉर्म कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पे किक का ऑप्शन दिया है, टेक्सचर है यहाँ पे, और यहाँ पे यामाहा की बैजिंग। दोनों टायर आपको ट्यूबलेस मिलेंगे आगे और पीछे। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम जो रियर सस्पेंशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। स्प्रिंग हाइड्रोलिक के साथ, हाइड्रोलिक एंड स्प्रिंग सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है ये चीज़, देख सकते हैं अंदर तक। ये रियर सस्पेंशन। अगर कंप्लीट वेट की बात करो तो 99 kg का वेट है स्कूटर का। और ओवरऑल लेंथ 1920 mm की लेंथ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कंप्लीट। और ओवरऑल वेट 650 mm। सीट हाइट की बात करूँ और सॉरी हाइट कंप्लीट जो है स्कूटर की तो ओवरऑल हाइट है 1150 mm। और व्हील बेस 1280 mm का व्हील बेस है। और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी लो है 145 mm की। और सीट हाइट 780 mm। और वारंटी की बात करूं तो 2 साल 24,000 किलोमीटर जो कि आप एक्सटेंड भी करा सकते हैं। और यहाँ पे एग्जॉस्ट पे कवर दिया हो काफ़ी पीछे तक, जैसे यहाँ पे भी कवर है, यहाँ पे भी कवर है मेटल में। अलॉय की स्टाइलिंग कुछ ऐसी है। ट्यूबलेस टायर। पीछे की लाइट्स काफ़ी अच्छी दिखती हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्टर, यहाँ पे रिफ्लेक्टर है इधर भी। और एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये एस टेको, ऑटो स्टार्ट, स्टॉप, इंजन चेक लाइट, आई बीम, लो बीम, फैसिनो की बैजिंग, टर्न सिग्नल्स। फ्रंट में आपको इसमें हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे। ये भी हेलोजन है, हेलोजन इंडिकेटर्स, हेलोजन ही पार्किंग। और क्रोम की बैजिंग है यहाँ पे, ब्लैकआउट यहाँ पे है, ये यामाहा का लोगो। और ये जो चीज़ है कुछ कुछ रेडियम वाइट में लग रही है मेरे को, बाकी आप कमेंट सेक्शन बताना। फ्रंट अलॉय काफ़ी साइलेंट स्टार्ट है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। इंजन के पास इंजन अपना एग्जॉस्ट साउंड, काफ़ी साइलेंट स्टार्ट होती है अपने स्कूटर। और एग्जॉस्ट साउंड आपने सुन सके, दोबारा सुना देता हूँ एक बार। एक बहुत अच्छा फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ स्कूटर में। जैसे आप देख सकते हैं अभी अपनी स्कूटर स्टार्ट है, ठीक है। और जैसे ही हम साइड स्टैंड को लगाते हैं तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ये देखिए साइड स्टैंड। इंजन कट ऑफ फीचर है, यहाँ पे फुटरेस्ट, बड़े फुटरेस्ट हैं। और यहाँ पे कुक दिया गया है। जरूरत का सामान कुछ भी टांग सकते हैं। ये कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेंगे इधर भी। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन है पीछे। और जो बैक लाइट है वो भी। और यहाँ पे क्रोम की बैजिंग। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मेरे को। और कैसी लगी आपको स्कूटर इस बारे में ज़रूर बताना। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।